हाय गाइस, दिस इज सोफी फ्रॉम टेक टॉगर और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वॉच के बारे में जो कि टक्कर देने वाली है एप्पल की वॉच को, साथ में सैमसंग की वॉच को भी। और मेन हाईलाइट होने वाला है इसका प्राइस, जो कि बहुत 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 कम है अगर हम कंपेयर करें एप्पल की वॉच के साथ और साथ में सैमसंग की वॉच के साथ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ में लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके लिए लाते हैं ऐसी अमेजिंग वीडियोस इस चैनल पे। गाइस, जैसा कि हम लोगों को पता है, बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि सैमसंग, एप्पल, इन लोग ने स्मार्ट वॉच मार्केट पे अपना कंट्रोल बना रखा है और ये अपनी बड़ी बड़ी कीमतों से अपने कस्टमर्स, अपने कंज्यूमर्स की तो जान ही ले लेते हैं। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। एक ग्रोइंग कंपनी जो कि अभी अभी स्टार्ट हुई है, उन्होंने अपना फ़ायदा छोड़ के लोगों के प्रॉफिट पे ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करी है और एक ऐसी वॉच बनाई है जो कि टक्कर देने वाली है एप्पल वॉच और साथ में सैमसंग की वॉच को भी। और तो गाइस, इस वॉच का नाम रखा गया है ब्लेज वॉच। अगर हम इस कंपनी के बारे में और कुछ जानें तो ये कंपनी हमें एक बेहतर स्मार्ट वॉच प्रोवाइड करती है कम से कम कीमत पे, और इसकी कम कीमत की वजह से आपको फीचर्स में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल सकते हैं जो कि मौजूद होते हैं एक लग्जूरियस स्मार्ट वॉच में। अगर हम बात करें इस कंपनी की, तो इन्होंने सारा फोकस अपना जो है वो स्मार्ट वॉच बनाने पे ही दिया है और इनका एक ही विजन है कि लोगों तक कैसे स्मार्ट वॉच पहुंचाए, वो भी कम से कम कीमत पे। आइए अब बात करते हैं स्मार्ट वॉच के कुछ फीचर्स की। और अगर हम बात करें बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी आपको मिलता है एक मजबूत शेल के साथ और टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन के साथ। इससे आपका जो स्मार्ट वॉच है वो काफ़ी सुंदर, ज़बरदस्त और स्लीक दिखने में हो जाती है। अब बात करते हैं कुछ और फीचर्स की। तो गाइस, अगर हम यहाँ बात करें डिस्प्ले की, तो आपको 1.3 इंच का लार्ज कलर डिस्प्ले मिलता है जो कि HD क्लियर है और इजी टू रीड डिस्प्ले होता है। इसका जो डिस्प्ले है वो ओवरसाइज्ड है, जिसकी मदद से आपको टच करने में या इसे यूज़ करने में, इसे ऑपरेट करने में कोई भी दिक्कत नहीं फेस करनी पड़ेगी। बात करते हैं यहाँ पे एक और फीचर की, जो है स्टेप काउंटर। यहाँ क्या आप कर सकते हैं, यहाँ अपने आप स्टेप्स कितनी दूरी आपने चली है वो यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं, उसकी एक उसका डेटा स्टोर कर सकते हैं कि मैं आज कितना चला और मुझे कल कितना चलना है, ये टारगेट भी आप यहाँ रख सकते हैं और इसे अचीव कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे स्लीप मॉनिटरिंग की, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर दिया हुआ है इस वॉच में। इससे क्या आप कर सकते हो, आप कितने टाइम सोए इसका तो एक आपको डेटा मिले ही मिलेगा, लेकिन साथ में आपकी नींद कब गहरी थी, कब आपकी नींद उतनी अच्छी नहीं थी, इसका डेटा भी आपको सुबह मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एक और फीचर दिया हुआ है अलार्म रिमाइंडर। गाइस, अगर आपको भूलने की आदत है तो उस आदत को भी अब भूल जाइए, क्योंकि अब आपके सारे इवेंट्स, आपके सारे रिमाइंडर्स होंगे आपके रिस्ट पर। इस वॉच में आपको एक इनबिल्ट अलार्म रिमाइंडर मिलता है, जहाँ पे आप इवेंट्स के अलार्म्स रख सकते हैं और वो आपको वक्त से पहले ही याद दिलाएंगे कि आपका कुछ इवेंट होने वाला है, तो उसके बारे में भी ध्यान रखिए। बढ़ते हैं हमारे अगले फीचर की ओर, इनकमिंग कॉल्स और नोटिफिकेशंस के बारे में। गाइस, अक्सर इनकमिंग कॉल्स तो फिर हमें फ़ोन निकालना पड़ता है, लेकिन इस चीज़ का भी एक बहुत अच्छा सोल्यूशन दिया है इस वॉच में। आप कॉल भी रिस्ट से ही कर सकते हैं, मतलब अपनी वॉच से ही आप कॉल रिसीव कर सकते हैं, नोटिफिकेशंस देख सकते हैं, और अगर आपको किसी ने टेक्स्ट किया है, किसने टेक्स्ट किया है और क्या टेक्स्ट किया है, वो भी आप अपनी वॉच से ही देख सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे लॉन्ग स्टैंड बाय बैटरी की। अगर हम बैटरी की बात करें तो 10 दिन की बैटरी मिलती है आपको, जो कि चार्ज होती है सिर्फ 6 घंटे में, और फिर आप इसे 10 दिन तक यूज़ कर सकते हो बिना कोई टेंशन के। तो बढ़ते हैं हमारे अगले फीचर्स की ओर। हमारे पास अगला फीचर है एंटी लॉस। अगर आपका फ़ोन गुम जाता है कहीं पे, तो उसे आप इसी वॉच से ढूंढ सकते हो, और अगर आपकी वॉच खो जाती है या रह जाती है कहीं पे, तो उसे आप अपने फ़ोन से ढूंढ सकते हो। बात करते हैं अगले फीचर की। तो आप अपने फ़ोन से अगर फ़ोटो खींचनी हो, तो वो भी यही वॉच करेगी, यही से आप अपना कैमरा ओपन कर सकते हो और फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। और एक बात की बात करें हम, तो ग्रेट स्टाइलिंग, आपको प्रीमियम डिज़ाइन मिलता है जो कि किसी भी लग्जूरियस वॉच से कम नहीं है।
स्लीक डिज़ाइन दिया हुआ है और बहुत ही अच्छी वॉच दिखने में है। बात करें कंट्रोल योर म्यूज़िक, आप अपना म्यूज़िक भी इसी वॉच से कंट्रोल कर सकते हैं। पास करना है तो पास कीजिए, प्ले करना है प्ले कीजिए, लूप में डालना है किसी सॉन्ग को तो लूप में डालिए। बात करते हैं इसके बहुत और बहुत अच्छे फीचर की, जो कि है साइंस इन बोथ आईफोन एज वेल एज इन एंड्रॉयड। आधी वॉच क्या देती हैं आपको, अगर हम एप्पल की वॉच को ले लें तो सिर्फ एप्पल में यूज़ कर सकते हो, अगर हम सैमसंग की वॉच ले तो सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन में यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर हम इस वॉच की बात करें तो ये दोनों फ़ोन्स में सपोर्ट करती है, आईफोन में भी और साथ में एंड्रॉयड फ़ोन में भी। बात करते हैं यहाँ पे एक और फीचर की, जो कि है आपके हार्ट बीट की एक अच्छी डिस्प्ले रखता है, आपके हार्ट बीट का एक अच्छा ध्यान रखता है, जिसकी मदद से आप अपने हार्ट की अच्छी देखभाल कर सकते हैं। तो गाइस बात करते हैं अब मेन हाईलाइट, मतलब कि प्राइस की। तो क्या है इसकी प्राइस, कहाँ से परचेज कर सकते हैं हम? तो गाइस प्राइस की अगर बात करें तो बहुत ही कम प्राइस है, 2400 रुपीज़, जो कि बहुत 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 कम है। और अगर हम सैमसंग की वॉच, स्मार्ट वॉच का प्राइस देखें तो वो कम से कम आपको 30,000 के अबो मिलती है, और अगर फिर बात करें एप्पल बाबा की तो वो तो बस 40,000 के आसपास मिलती है आपको। तो लेकिन इस वॉच में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आपको सिर्फ 2400 to 2500 रुपीज़ में मिलती है। और अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप परचेज़ कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करें लाइक, साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और करें चैनल को सब्सक्राइब और साथ में अपना बेल आइकन भी दबा दें।